माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में केचप बना रही हूँ और केचप बनाने के लिए आप हाफ के जी टमाटर ले लें जो रेड कलर में होने चाहिए ताकि केचप भी डार्क कलर में ही बने। और इसमें प्याज जाएगी आधी, 3 गार्लिक क्लॉव जाएंगे और कॉर्नफ्लोर थिक करने के लिए है, सिरका डालेंगे और ये है चीनी, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट और ये टार्टरी है और इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे शामिल करेंगे ताकि हमारी केचप ख़राब ना हो। इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टमाटरों में ये प्याज और लहसुन, टमाटरों को कट कर लें टुकड़ों में और लहसुन और प्याज शामिल करके इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखते हैं। व्यूअर्स, मैंने टमाटरों को क्यूब्स में कट करके पैन में डाल के चूल्हे पे रख दिया। इसमें मैंने पानी भी शामिल कर दिया और इसमें प्याज और लहसुन जो है वो भी शामिल कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें कवर करके। तकरीबन 15 मिनट में आपके टमाटर गल जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। केचप के लिए जो टमाटर बॉयल करने रखे थे बॉयल हो चुके हैं, अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करने लगी हूँ। लेने के बाद अब मैंने एक छलनी में डाल के तो इसको स्ट्रेन कर रही हूँ और उसी पैन में हम इसको डालेंगे जिसमें हमने पहले इसको बॉयल किया था। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, तो ये जो इसके बीज और इसके जो छिलके वगैरह हैं ये सारे टमाटर के ऊपर स्ट्रेनर में रह गए हैं और नीचे हमारे पास एक प्यूरी कह लें कि निकल आई है। अब इसको हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे, पोर्शन को हम वेस्ट कर देंगे। इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और ये हमारे पास एक लिक्विड सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है, आप देख सकती हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी वही रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। इसी स्टेज पर मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूँगी जो 2 हमने टेबलस्पून लिए थी। इसमें 2 टेबलस्पून सिरका भी जाएगा। इसमें आप रेड कलर भी शामिल कर दें क्योंकि केचप का कलर थोड़ा लाइट है, टमाटर इतने रेड नहीं थे इस वजह से थोड़ा सा रेड कलर शामिल करना पड़ रहा है। ये जो ऊपर जाग सी बन रही है ना, इसको ज़रूर रिमूव किया करें क्योंकि ये जो है वो खाने का टेस्ट ख़राब करती है। केचप को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, आप इसको टेस्ट कर लें। अगर कोई चीज़ आपको कम लगती है टेस्ट में तो आप उसको शामिल कर लें इसी स्टेज। आप इसमें 1/4 teaspoon जो है टार्टरी भी शामिल कर दें, 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर और 4 tablespoon पानी मिला के मैंने इसको घोल के पेस्ट बना लिया। अब इसमें मैं शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर। किसी भी चीज़ में शामिल करते वक्त चम्मच ज़रूर चलाया करें ताकि गुठलियां ना बने। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बस 1 मिनट तक आप इसको कुक करेंगी तो आपकी केचप बिल्कुल तैयार है।